में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक के बेटे की दबंगई सामने आई है। निकाय चुनाव को लेकर सीतापुर के एक प्राइवेट स्कूल में नोटिस चस्पा करने जा रही महिला एआरटीओ को स्कूल प्रबंधक के बेटे ने रास्ते में रोक लिया। दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। स्कूल प्रबंधक के बेटे ने महिला एआरटीओ के गार्ड पर 1.5 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोगों ने लखीमपुर सीतापुर मार्ग जाम कर दिया। एआरटीओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल प्रबंधक के बेटे को हिरासत में लिया है। महाराजगंज में चोरी के आरोपी की बर्बरता से पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस आरोपी को पीटते दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में दिखाई दे रहा है आरोपी पुलिसकर्मी चोरी के आरोपी को लकड़ी फंसा कर उसे पीट रहा है। यूपी के कानपुर नगर में निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन शराब खरीदने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटो खींचकर रिकॉर्ड में रखेगी। ये जानकारी शराब की दुकान वालों को रोजाना संबंधित थानों को भेजनी होगी। पुलिस ज्यादा शराब खरीदने वालों के घर भी जा सकती है। पुलिस ये जानकारी भी रखेगी कि खरीदार ने ज्यादा शराब क्यों खरीदी है। यूपी के बरेली में आपसी विवाद में पति पर पत्नी की नाक काटने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और वारदात के दिन आरोपी ने पहले पत्नी की पिटाई की, बाद में अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के हाथरस जिले के कस्बा सासरी में नगर पंचायत चुनाव के लिए हुई बीएसपी की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीएसपी विधायक रामवीर उपाध्याय चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी बीएसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झगड़ा कुर्सियों पर आगे बैठने को लेकर हुआ। इसी विवाद में कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में अव्वल कानपुर में फायर ब्रिगेड के जरिए पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। AQI की रेटिंग में कानपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर है। बीते दिनों कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 पर पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक था। इस स्थिति से निपटने के लिए कानपुर का जिला प्रशासन ऐसे कदम उठा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शादी के बाद एक लड़की ने ससुराल जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसकी ससुराल में शौचालय नहीं है। लड़की ने अपने ससुराल वालों से कहा कि जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता तब तक वो ससुराल नहीं जाएगी। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि अब तक वो गरीबी की वजह से शौचालय निर्माण नहीं करा पाए थे, लेकिन बहू की मांग जल्द पूरी करेंगे। कानपुर देहात में एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने स्कूल में छात्र छात्राओं पर जींस न पहनने का फरमान जारी किया था। इस आदेश के बाद भी एक छात्र जींस पहनकर कॉलेज आया तो प्रबंधक ने कैंची लेकर जींस काट दी। प्रबंधक की इस हरकत से छात्र के पैरों में कैंची लग गई और गहरा घाव हो गया। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करी है। पंजाब के अमृतसर में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया। बदमाश पीड़ित को कार में बिठा कर ले गए और अगवा करने वाली जगह से 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक 3 किडनैपर थे जिन्होंने बंदूक के दम पर इस घटना को अंजाम दिया। मामला लुधियाना के न्यू मॉडल टाउन का है, जहां किरायेदार की अपने मकान मालिक के साथ छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और किरायेदार ने मकान मालिक की पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।